नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मानसी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुर्ख लाल रंग के जोड़े में उसका गेहुआ रंग बहुत ही खेल रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसके होने वाले पति अमित का फोन था। मानसी ने फोन रिसीव किया तो उधर से अमित मधुर स्वर में बोला, हमारी दुल्हन तैयार हो गई क्या? मानसी शर्माते हुए बोली, हाँ जी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस आपका ही इंतजार कर रही हूँ। अमित उसे छेड़ते हुए बोला, बस 5 मिनट के अंदर बारात आपके दरवाजे पर होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा जल्दी से देखूँ, तो क्या आप खिड़की तक आने का कष्ट करेंगी? मानसी की पलकें शर्म से भारी होने लगी। उसने धीरे से कहा कि मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी बाहर बारात के आने का शोर सुनाई दिया। मानसी कान में फोन लगाए हुए खिड़की पर आई। उधर से अमित की नजरें मानसी से मिली और अमित के प्यार भरी नजरों से मानसी का रोम रोम सिहर उठा। अमित ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आई लव यू मानसी। अभी मानसी कोई जवाब देती तब तक उसकी सहेलियां कमरे में आ गई और शोर मचाते हुए कहने लगी, जीजू आ गए, जीजू आ गए। अगले ही पल मानसी ने घबराहट में फोन काट दिया। मानसी आज बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद उसे इतना प्यार करने वाला पति जो मिलने वाला था। वैसे भी मायके में वो ज्यादा खुश नहीं थी। मानसी की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। मानसी के पिता एक शराबी व्यक्ति थे। उन्होंने दोबारा शादी तो नहीं की, लेकिन वो ऑफिस से आने के बाद शराब में ही डूबे रहते थे। इसलिए मानसी को उन्होंने कभी भी पिता का प्यार दिया ही नहीं। जब तक मानसी की दादी जीवित थी तब तक उन्होंने मानसी की परवरिश की, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने के बाद से मानसी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसका उसके पिता से कोई भावनात्मक रिश्ता तो नहीं बन पाया था, उल्टा वो अपने पिता से बहुत डरती थी। पिता को देखते देखते उसे शराब पीने वालों से बहुत नफरत हो गई थी, जिसके कारण वो पिता का सम्मान भी नहीं कर पाती थी। मानसी की पढ़ाई पूरी होते ही उसके मामा ने उसके लिए अमित का रिश्ता ढूंढा। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय हुआ और सगाई के बाद से अमित और मानसी एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ गए थे। मानसी तो जैसे सपनों की दुनिया में चली गई थी। उसे पूरा यकीन था कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत हसीन होगी, क्योंकि अमित उससे फोन पर बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करता था। थोड़ी देर बाद मानसी की सहेलियां उसे शादी के मंडप में लेकर आईं। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी देखकर हर कोई कहने लगा कि दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं। मानसी तो जैसे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। आज एक एक रस्म के दौरान वह अमित के और भी करीब जा रही थी। विवाह संपन्न होने के बाद फूलों से सजे हुए कार में बैठकर मानसी अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। वो बहुत खुश थी और सोच रही थी कि ससुराल में उसे बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार मिलेगा। ससुराल में उसे सासू माँ से माँ का प्यार मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि वो बचपन से ही माँ के प्यार को तरसी हुई थी और सोच रही थी कि शायद पति की माँ से उसे माँ का प्यार मिल पाए। लेकिन यह तो वक्त ही बताने वाला था कि ससुराल में उसे सास के रूप में माँ मिलती है या फिर केवल सास। मानसी अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। सभी लोग उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। उसकी आरती उतारी गई। औरतें कहने लगी कि नई बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अपनी तारीफ सुनकर मानसी का मन प्रफुल्लित हो गया था। वो सोच रही थी कि वो अपने स्वर्ग जैसे घर में पहुंच चुकी है और अब उसकी जिंदगी में कोई भी गम नहीं होगा। मानसी के ससुराल में उसकी सास, जेठ जी, जेठानी जी, उनका 2 वर्षीय बेटा रोहन और उसके पति, बस इतने ही सदस्य रहते थे। मानसी तो एक सुखी परिवार की कामना लिए हुए गृह प्रवेश कर रही थी, लेकिन आने वाले दिन उसे जिंदगी के कौन से रंग दिखाने वाले थे ये उसे पता ही नहीं था। मानसी के ससुराल में 3-4 दिनों तक तो मेहमानों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सारे मेहमान वापस जाने लगे थे और 1 सप्ताह के बाद घर में केवल घर के सदस्य ही रह गए थे। मानसी की पहली रसोई की रस्म हो गई थी, इसलिए वह अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के कामों में लग गई थी। अमित के ऑफिस में ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह दोनों हनीमून पर नहीं जा पाए थे। मानसी अमित के साथ बहुत खुश थी क्योंकि अमित उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। मानसी की जेठानी सुधा भी बहुत अच्छी थी और मानसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन मानसी की सास दामिनी जी एक कड़क स्वभाव की महिला थी और वह बहुओं के ऊपर शासन करने से पीछे नहीं हटती थी। मानसी ने तो सोचा था कि ससुराल में सास के रूप में उसे माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसकी सास बात बात में नई बहू के काम में कमियां निकालती थी। उसे ताने देती थी कि तुम्हारी माँ नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें घर के काम नहीं आते हैं।
मैंने तो अमित को मना किया था कि ऐसी लड़की से शादी मत कर, लेकिन उसने ही तुझे पसंद कर लिया था। अब बेटे की जिद के आगे मैं झुक गई। अब अमित को क्या पड़ी है, वह तो दिन भर ऑफिस में रहता है, तो मुझे ही तुम्हें झेलना है। यह सारी बातें सुनकर मानसी का दिल टूट कर रह जाता और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती। मानसी की लाल लाल आंखें देखकर उसकी जेठानी सब समझ जाती और उसे समझाती कि तुम सासू माँ की बातों का बुरा मत माना करो, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, वह तो मुझे भी कुछ न कुछ सुनाते रहती है, अगर उनकी बातों को दिल से लगाएंगे ना तो हम ही दिल के मरीज बन जाएंगे। सुधा की हल्की फुल्की बातें सुनकर मानसी भी मुस्कुरा उठती थी और सुधा उसे प्यार से गले से लगा लेती थी। कुछ दिनों के बाद मानसी ने गौर करना शुरू किया कि उसके जेठ जी रात को घर नहीं आते हैं। पहले तो उसे लगा कि वो शायद नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते होंगे, लेकिन एक दिन उसने अकेले में अपनी जेठानी को रोते हुए देख लिया। उसने कहा कि दीदी आप रो क्यों रही हो। सुधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। लेकिन मानसी जिद करने लगी और कहने लगी कि जब मैं रोती हूँ तो आप मेरे आंसू पोंछने आती हो ना, फिर अपनी तकलीफ मुझसे साझा क्यों नहीं कर रही हैं। तब सुधा ने नीची नजरें करते हुए कहा, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो तो तुमसे सच्चाई कितने दिनों तक छुपा कर रख पाऊंगी। बात यह है कि तुम्हारे जेठ जी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्हें शराब पीने की आदत है। आधी रात गए वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीते रहते हैं, कभी रात को 2 बजे तो कभी 3 बजे घर आते हैं और कुछ पूछने पर या विरोध करने पर मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अमित भी बड़े भाई की इज्जत नहीं करता है। एक बार दोनों भाइयों में इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद से अमित ने अपने भैया से बोलना ही बंद कर दिया। सासू माँ भी अपने बड़े बेटे को कुछ भी नहीं कहती है। यदि मैं भी पति के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश करती हूँ तो वह मुझे पीटते हैं, इसलिए मैंने अपने पति से एक निश्चित दूरी बना ली है। अब ना तो मैं उन्हें रोकती टोकती हूँ, ना उनसे कोई उम्मीद रखती हूँ, और ना ही अब मेरे मन में उनके लिए कोई सम्मान है, ना तो कोई प्यार है। मेरा यह सिंदूर झूठा है, मैं दिल से उस इंसान को अपना पति ही नहीं मानती हूँ, तो उसकी हरकतों से दुखी होना भी मैंने छोड़ दिया है। मैं तो बस रोहन के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे पिता का प्यार ना मिले, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करते हैं लेकिन अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। रोहन को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ। सुधा का दर्द जानकर मानसी की आंखें गीली हो गई। उसने तो खुद ही शराब के कारण बहुत सारी खुशियां नष्ट होते हुए देखी थी। उसे नहीं पता था कि ससुराल में आकर भी उसे वही सब देखना पड़ेगा, लेकिन उसे सुकून था कि कम से कम अमित ऐसा इंसान नहीं था। हर परिवार में कुछ सदस्यों का व्यवहार अच्छा होता है तो कुछ सदस्यों का व्यवहार बुरा होता है, इसलिए मानसी भी नए परिवार में सामंजस्य बिठाकर जीने की कोशिश करने लगी। मानसी के विवाह के साल भर के बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अब मानसी और अमित बहुत खुश रहने लगे थे। सुधा भी उसके मातृत्व के सफर में उसका बहुत ध्यान रख रही थी। हालांकि उसकी सास का व्यवहार अभी भी उसके प्रति रूखा ही था, लेकिन मानसी ने सास की कड़वी बातों को नजरअंदाज करके खुश रहना सीख लिया था, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाली जेठानी जो मिली थी। अमित भी पहले से कहीं ज्यादा उसका ध्यान रखने लगा था। हंसी खुशी समय बीत गया और 9 महीने पूरे होने पर मानसी ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अमित ने इस खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, सभी बहुत खुश थे। लेकिन मानसी की सास दामिनी जी अमित से कहने लगी कि अरे बेटा, बेटी के जन्म पर इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत थी। अमित हैरानी से कहने लगा कि माँ, एक औरत होकर आप यह भेदभाव वाली बातें क्यों करती हो। बेटा हो या बेटी, मैं इनमें कोई अंतर नहीं समझता हूँ, यह बच्ची हमारे प्यार की निशानी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आगे से मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बात पर दामिनी जी गुस्से से जल भुनकर रह गई थी। मानसी और अमित दोनों मिलकर अपनी नन्ही सी बेटी अंजलि का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। दोनों मिलकर उसे एक अच्छी परवरिश देना चाहते थे। धीरे धीरे अंजलि बड़ी होने लगी। वक्त के साथ वो जरा शरारती भी हो गई थी। वैसे भी बच्चे तो शरारती होते ही हैं। वो अपने बड़े भैया रोहन के साथ मिलकर कई प्रकार के खेल खेलती थी। देखते ही देखते अंजलि 5 साल की हो गई थी। एक दिन वो अपने दादी के कमरे में गई और उनके बिस्तर पर चढ़कर उछलने लगी। दामिनी जी को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत मानसी को बुलाया और कहने लगी, अपनी बेटी को जरा संभाल कर रखो, लड़कियों का इतना चंचल होना अच्छा नहीं होता है, तुम इसे मारती क्यों नहीं हो, तुम्हें तो बच्चों की परवरिश करनी आती ही नहीं है। अरे लड़की जात है, अगर आज कड़ाई से इसकी परवरिश नहीं करोगी तो कल को यह तुम्हारी नाक कटवा देगी। मानसी सास की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी, सासू माँ, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको बच्चों की परवरिश की इतनी ही समझ है तो आप मुझे यह बताइए कि जेठ जी इतना क्यों बिगड़ गए, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। अगर आपने उस समय जेठ जी की परवरिश अच्छे से की होती
तो शायद आज जेठानी जी को खून के आंसू नहीं बहाने पड़ते। वह तो अच्छा है कि अमित ऐसे नहीं निकले, वरना मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी बेटी की परवरिश कैसे करनी है। मेरी परवरिश पर सवाल उठाने से पहले आप अपनी परवरिश देख लीजिए कि आपके अत्यधिक प्यार दुलार के कारण ही जेठ जी इतने बिगड़ गए। आज भी आप उनकी गलती पर उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। क्या केवल बेटा होने से उन्हें गलती करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? जो आप लड़के और लड़की की बात कहकर इतना भेदभाव कर रही हैं। मानसी की बात सुनकर दामिनी जी ने सिर झुका लिया था। उन्हें बड़े बेटे की गलत हरकतें पता तो थी, लेकिन वो खुद ही आंखें मूंदकर बैठी हुई थी। आज उनके पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया था। मानसी ने आज तक अपनी सास को जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब बात उसकी बेटी के ऊपर आई तो उसने चुप रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दोस्तों, हर किसी की परवरिश का तरीका अलग अलग होता है। बच्चे तो शरारत करते ही हैं, ऐसे में उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक प्यार करके बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। इसके बीच के संतुलन को ही शायद सही परवरिश कहते हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।